तो इस वाले रास्ते पे मैंने एक बात नोट करी है यार कि ग्रीनरी कुछ ज़्यादा है, पेड़ पौधे काफ़ी है, और इधर ऊपर पहाड़ गंजे हैं पथरीले और नीचे एक वैली के अंदर ग्रीन। ये चीज़ मैंने कहीं और नोटिस नहीं करी। यहाँ पे अचानक मेरा ध्यान गया कि यार ऊपर सारे गंजे पहाड़ हैं और ये है पूरी हरियाली। हरियाली है तो मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन भरपूर है भाई। कभी आपको लगेगा आपको AMS हो रहा है तो पौधों के पास आ जाओ, जहाँ पर थोड़े पौधे हो तो ऑक्सीजन आपको सही मिलेगी। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ, अगर आप देखें कि ये जो रास्ते हैं ये आपको याद दिलाएंगे स्पीति पे खाप संगम और पुहु वाले इलाके की। कुछ ऐसे ही पहाड़ एकदम ऐसे लगा कि जैसे स्पीति वैली के अंदर आ गए, ऐसा ही इधर पहाड़ थे, इधर से चट्टाने होती तो इधर पूरे ब्राउन गंजे पहाड़। यार देखो पहाड़ एक जैसे ही होते सारे। तो बाल्टिक यार 4 किलोमीटर रह गए यहाँ से, और बटालिक मैं बार बार उसे बाल्टिक कह रहा हूँ तो आप समझ जाना बाल्टिक बटालिक एक ही है। तो बटालिक POK के काफ़ी पास है, कर तो लास्ट विलेज है POK के पास, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो हिंदुस्तान में बॉर्डर कह सकते हैं कि बॉर्डर तो नहीं है, हालांकि वो ज़मीन जो है वो हिंदुस्तान की ही है, फिलहाल तो उसको POK कहते हैं पाकिस्तान वाले, हम लोग ऐसा नहीं मानते, जल्दी ही वो भी हमारा ही होगा। मजाक था, अगर ऐसा हुआ तो भाई साहब जो POK वाला जो इलाका है वो भी कोई कम खूबसूरत नहीं है। ये पैसे तो सारे एक ही है, बस सीमाएं बट गई, ये तुम्हारा मुल्क है हमारा मुल्क है। तो हम इस टाइम है POK के 8 किलोमीटर दूर बस, और आई थिंक बॉर्डर कहीं से व्यू होगा नहीं होगा। आपका वेलकम है बटालिक के अंदर, हिंदुस्तान का लास्ट विलेज ऐसा कहते हैं, लेकिन हम लास्ट नहीं मानते, POK भी हमारा अपना है। तो यार ये सब इलाका आर्मी कंट्रोल में है, और ये रास्ता जाएगा ऊपर बटालिक, जहाँ पे जाने का एक्सेस नहीं है, और हम यहाँ से मुड़ जाएंगे। बटालिक है ये, यहाँ पे एक फ़ोटो खींचेंगे और निकल जाएंगे। सारा आर्मी एरिया, आर्मी मेंटेन करता है इसको, ऊपर आर्मी का बंकर। अब काफ़ी लोग बोलेंगे यार आर्मी का सेंसिटिव एरिया क्या दिखा रहे हो, तो ये ऐसे बेकार की बात है, हाईटेक दुनिया है, सब सैटेलाइट है, सबको पता रहता है किसका बंकर कहाँ पे है। हाँ हिडन प्लेस जो होती है वो आर्मी किसी को नहीं बताती, कि ऐसे ऐसे आर्मी के इलाके हैं जहाँ पे आपको पता नहीं होगा कि इसके अंडरग्राउंड आर्मी के इलाके हैं, तो व्हाट्सएप तक एक्सेस नहीं होता, पर ये चीज़ नॉर्मल है। पर कि आप काफ़ी ज्ञान देवता बोलेंगे कि आप आर्मी का क्यों दिखा रहे हो, अरे भैया आर्मी का मैप बना हुआ सब कुछ आज के टाइम में है, किस जगह कहाँ पे सैटेलाइट है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर गूगल से आप सैटेलाइट देखोगे तो आपको जो व्यू दिखेगा ना हमेशा ब्लर दिखाई देगा। और दूसरी बात और कि ब्लर दिखाई देगा वो तो मतलब जो एरिया है, बाकी कंट्री से आपको साफ साफ दिखाई देगा क्या चीज़ कहाँ पे है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने ये ब्लर कर रखा है, अच्छी बात है ड्यू टू सिक्योरिटी, लेकिन अगर आप गूगल मैप खोलते हो इंडिया से तो आपको वो ना POK की लाइन नहीं दिखाएगा, जो लाइन है POK जो बाल्टिक है ये, उसके बाद में POK वो लाइन नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये रिमूव कर दिया, डिस्प्यूट था जब कि भाई ये POK किसका हिस्सा है, और काफ़ी डिस्प्यूट के बाद US ने भी मान लिया, अमेरिका ने कहा भैया ये POK हिंदुस्तान का हिस्सा है, उसने जो लकीर थी ना वो मिटा दी है वहाँ से। लेकिन अगर आपको देखना है POK की लाइन कहाँ कहाँ जाती है, तो आप अपना VPN एड्रेस चेंज करके किसी दूसरे कंट्री का IP एड्रेस से उसको देखो तो आपको लाइन गूगल मैप पे दिखाई देगी। लेकिन अगर आप इंडिया से एक्सेस करते हो उसको आपके नॉर्मल IP से, तो आपका वो शो नहीं होगा। तो
तो सामने जो है ये आ गया बॉर्डर एरिया, लगा रखा है सारा नाकाबंदी। तो ये है इस तरफ से पटालिक, लास्ट गांव ऑफ इंडिया। आर्मी है वहाँ पे, आर्मी रोक देगी शायद। चल के देखें कहाँ तक जाएंगे, हैं? चलो। तो भाई साहब ये आखिरी पुल है जिसके ऊपर जा सकते हैं। इनके अंदर आर्मी के बंकर है छोटे छोटे, जहाँ पे हमेशा हमारे देश के जवान तैनात रहते हैं। स्नाइपर्स हैं बहुत सारे यहाँ पे, जो हमेशा बॉर्डर पे नज़र रखते हैं कोई गलत एक्टिविटी ना हो। और पानी कितना शांत है यार। ये जो गांव है गुरगुदो, हाँ गुरगुदो गांव, उसके बाद फिर एक्सेस नहीं है। देखा जाए तो दो गांव हो गए, एक तो बटालिक और गुरगुदो। ये रास्ता नीचे से जा रहा है, वो रास्ता वो उधर से था। वो पानी क्या बह रहा मस्त तरीके से यार, गजब। वो भाई साहब लोकेशन क्या नंबर एक नंबर है यार, लोकेशन देखो यार, ये लोकेशन क्या गजब है एकदम। ओए होए क्या मस्त लोकेशन है यार, क्या ब्यूटीफुल लोकेशन है। चट्टानों के ऊपर भी यार हरियाली है, देखो कमाल है। चट्टानों के ऊपर भी हरियाली है यार, इधर की तो कुछ बात ही अलग लग रही है अपने को, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा। खैर हम जा रहे हैं वहाँ तक जहाँ तक हमको आर्मी ना रोके, उसके बाद हम आ जाएंगे वापस और चलेंगे लेह की तरफ। और 5 बज गए हैं, 5 बजे लेह हम पहुँच जाएंगे 9 बजे तक। खलता से 70 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और इसमें हो जाएगा 1.5 घंटे के अंदर पूरा, 1.5 से 2 घंटे में। रास्ते काफ़ी अच्छे हैं और भाई साहब ये लग भी रहा था बॉर्डर का एरिया हो यार। तो जी ये है आखिर गांव, गुरगुदो नाम है इसका, लास्ट विलेज है। यहाँ के लोकल बंदे ऐसे क्यों दिख रहे हैं यार, हम इस घर के वासी नहीं है क्या? लगता है यहाँ पे कोई ज़्यादा बाइकर्स आते नहीं है, सो ये देख रहे हैं कि ये लोग कौन आ गए। काफ़ी अच्छा बड़ा गांव है यार, हाँ जी सर। गुरगुदो तो पहुंच गया, अब खत्म। हाँ, आगे तो पाकिस्तान बॉर्डर है। हाँ देखने को मिलेगा बॉर्डर, आगे फौजी है, फौजी छोड़ देगा तो आगे निकल जाओ, नहीं तो फौजी को वहाँ से नजर आता है थोड़ा बहुत। चलो देख के आते हैं। कितने दूर है फौजी? 1.5 किलोमीटर। चलो सो दिस इज द लास्ट पॉइंट गाइज, यहाँ के बाद एक्सेस नहीं है नॉर्मल बंदों का। ओह अब सब आर्मी के कंट्रोल के अंदर है। तो भाई साहब इस टाइम हम लास्ट विलेज है हिंदुस्तान के, वो सामने है बटालिक गांव, और वो जो पहाड़ियाँ है वो है पाकिस्तान की पहाड़ियाँ। ये जो पहाड़ी देखो पाकिस्तान की है, ये पीओके की पहाड़ियाँ है, पाकिस्तान नहीं कहूँगा इसको, पीओके है ये जो ऑक्यूपाइड है, तो पीओके की पहाड़ियाँ है। और जो ग्रीन ये आपको यहाँ पे डॉट दिख रहे हैं, ये गांव है पाकिस्तान का, पीओके गांव है ये।
तो भाई साहब वापस से जा रहे हैं लेह की तरफ, और आर्मी वाले से काफ़ी बातचीत करी हमने यहाँ के बारे में, क्योंकि वीडियो के लिए उसने मना कर दिया था। तो संजक यहाँ से रह गया है 22 किलोमीटर, और भाई साहब रास्ता देखो यार, क्या रास्ता निकाला है बीआरओ ने यार। भाई साहब बीआरओ का तो फैन हो गया मैं यार, बीआरओ मतलब ब्रो, बड़ा भाई है अपना। क्या रास्ता निकाला यार, क्या क्या रास्ता निकाला यार, क्या खूबसूरत है, वो खूबसूरती जो है वो ओवरलोड है यार। ये रास्ता अगर कोई आना चाहे तो और रास्ते के ऊपर थोड़ा लंबा पड़ेगा, लेकिन भाई साहब आई एम श्योर के ये रास्ता आपको बोर नहीं होने देगा, इतना खूबसूरत है ना रास्ता ये, और रास्ता कोई टूटा हुआ नहीं है, बड़ी रास्ता बना हुआ है, और मैंने तो कोई बाइकर्स देखा नहीं यहाँ पे ना आते हुए जाते हुए कोई जाता भी है, सब बस जो मेन दो रोड है कारगिल से वैसे निकलते हैं। तो कभी कभी ऑफ बीट जगह पे भी जाना चाहिए, ऑफ बीट जगह पे लोग जाएंगे तो बाकी लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, हो सकता है मेरी वीडियो से यहाँ पे लोग आने लगे, मैं कोई बहुत ज़्यादा मेरे भी सब्सक्राइबर नहीं है, क्योंकि सब्सक्राइबर से याद आया कि यार नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको हिट करो, और साथ में बेल आइकन दबाओ, और उसमें नोटिफिकेशन को कर देना ऑल, ताकि आपको मिल सके सबसे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले, और कमेंट करके बताना ये रास्ता कैसा लग रहा है यार। ये चीज़ आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी, मैंने माउंटेन्स में बहुत राइड करी है, लेकिन सच कह रहा हूँ ये चीज़ आपको कहीं देखने को मिलेगी नहीं। दार्चिक नाम है गांव का, और JCBRF फुल फॉर्म के साथ, ए भैया चैन को लहराता हुआ रहा भाई, मार मार मत देना यार। तो वेलकम टू दार्चिक विलेज, इधर से जाएगा दार्चिक, ये लेह, हम जा रहे हैं लेह। फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड, पर लोकेशन तो नंबर है यार, ऐसे कैसे लोकेशन एक नंबर है भाई साहब, फोटोग्राफी कैसे प्रोहिबिट कर रखा है यहाँ पे। दोस्तों आर्यन वैली, और यहाँ पे कैंपिंग होती है, ज़्यादा कुछ मुझे इसके बारे में नहीं पता, अभी आया तो मैंने बस जस्ट देखा था जब मैं प्लान कर रहा था अपना ट्रैवल कि आर्यन वैली नाम की कुछ जगह है, तो ये भी एक्सप्लोर की जा सकती है इस रूट के ऊपर अगर आप आ रहे हैं तो। और खल से यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है, कोई बोर्ड नहीं दिख रहा मुझे उसका, और मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है कि GPS का मैप ले, वैसे मैंने ऑफलाइन मैप डाउनलोड करा था लेकिन उसमें ये वाला पोर्शन छूट गया था मुझसे, उसकी भी एक लिमिट होती है, जैसे जूम करते थे वो एरिया बंद कर देता है।
शाम का मौसम कितना प्यारा रखा यार, मैं बता नहीं सकता कितना प्यारा मौसम है यार। हालांकि ऊपर बादल है लेकिन बरसात हो नहीं रही है, और भाई साहब मज़ा ही आ गया इस रोड के ऊपर तो यार। सिंधु रिवर हमारे साथ साथ चल रही है जब से यार, क्या कहना क्या कहना। पर भाई साहब पहाड़ खतरनाक है, ये जो मट्टी से लिपटे हुए पत्थर है कभी भी टपक जाते हैं। तो 6:49 लगभग 7 और रोशनी देखो यार कितनी अच्छी है, ये 8:15 तक हमें रोशनी मिलेगी, हमारे लिए एक पॉजिटिव बात है। और कल से बस 30 किलोमीटर होगा आई थिंक, और उसके बाद तो फिर सीधा रोड जो रोड है उधर से ले वाला और ये दोनों मैच हो जाएंगे। तो भाई साहब हो गए अपने को रात, मतलब पूरे 8 बज गए हैं, बस 2 मिनट 8 बजने में, और खल से यहाँ से रह गया बस 5 या 6 किलोमीटर दूर, और फिर दोबारा हम कनेक्ट हो जाएंगे लेह वाले हाईवे के अंदर, और फिर जाएंगे लेह के लिए। उससे पहले कह रहे हैं कहीं पे डिनर, क्योंकि बहुत देर हो गई कुछ खाया नहीं हम लोगों ने, तो बस हाईवे से लेह जा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन 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 3 पॉइंट है जो आते हैं इसके ऊपर, जैसे कि मैग्नेटिक हिल, गुरुद्वारा पत्थर साहिब और दस्कार रिवर और इंडस रिवर का जो मीटिंग पॉइंट है वो मिस हो जाएगा, लेकिन मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है तो अपने को कोई गम नहीं। बस ले आज हमारा टारगेट है, ले हमें जाना है, लेट्स सी। और भाई साहब यहाँ पे ऑफ रोडिंग है, और मेरी जो बाइक है ये जी एडवेंचर, ये प्रॉपर ऑफ रोडिंग है, मैंने इसको ऑफ रोडिंग में लगा रखा है। इसके 3 मोड होते हैं, रेन रोड और ऑफ रोड। भाई साहब ऑफ रोडिंग में इसकी परफॉर्मेंस है ना लाजवाब है, शानदार। भाई साहब क्या कमाल का रोड मैच करा है, अब देखो रोड आके है ना, ये मैच हो गया इसके अंदर, उधर से आते इधर से आते दोनों मैच हो गए। और अभी यहाँ पे भरवाते पेट्रोल खलसे के अंदर, और खलसे में यहाँ पे एंट्री करानी पड़ेगी, एंट्री करा लेते हैं। तो ट्रैवल के अपडेट कुछ ऐसे है, हम खलसे से आ गए गांव निरला, और निमो यहाँ से 60 किलोमीटर है और लेह 85 किलोमीटर। यहाँ पे हम रुके हैं अपना डिनर करने के लिए, जो कि है चिली पोटैटो और क्या मंगाया मानसो हमने, कढ़ाई पनीर और जिसमें कढ़ाई नहीं है तवा रोटी। तो अभी डिसीजन लेना है कि हम आगे जाए या फिर यहाँ पर रुक जाए, क्योंकि अगर हम जाते आगे तो नहीं दे पाएंगे। गुरुद्वारा पत्थर साहिब, मैग्नेटिक हिल और कॉन्फ्लेक्स ऑफ दस्कार हिंदू, वो सब मिस हो जाएगा। मैंने तो वो पहले वो देखा हुआ है, पर हिमांशु ने वो नहीं देखा। हिमांशु चाहता है कि हम उसको देखें, तो इसलिए हमें रुकना पड़ेगा। और फिर शायद हम कल लेह पहुँच के लेह में स्टे करेंगे, और खारदुमला पास के जो अपडेट है वो वहीं से मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ लोग कह रहे हैं कि खुल गया, काफ़ी कह रहे बंद है, तो कुछ पक्की इन्फॉर्मेशन है नहीं। बाकी अब देखते हैं क्या करना है, अब डिनर करते हैं, उसके बाद दोबारा से करेंगे इस ब्लॉग को एंड अपने लद्दाख 2024 डे 4 की जर्नी का।